हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे कि आप लोग किस तरीके से जो है अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से श्रावण मास के द्वितीय सोमवार का पोस्टर कैसे डिजाइन कर पाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यनजी पर पोस्टर डिजाइनिंग से और टेक्निकल से संबंधित सभी वीडियोज आते रहते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स अभी आपको हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में लगा फ्रेंड्स आपको बेल का आइकन उसे भी दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले सभी लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो गाइज, मैं हूं राहुल और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यनजी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो आप सभी को पूरा वॉच करना है, क्योंकि फ्रेंड्स से इस वीडियो में फ्रेंड्स कहीं पर भी एक जगह पर पासवर्ड दिखाया जा सकता है। और हाँ फ्रेंड्स, उस पासवर्ड को देखने के बाद आप डायरेक्ट हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक से फ्रेंड्स आप PNG मटेरियल्स और PLP फाइल को डाउनलोड कर लेंगे, तो डायरेक्ट आप जो है जो प्रोसेस मैं बताऊंगा इससे आप सीधा उसे डिजाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स समरेंद्र के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको PNG मटेरियल्स की आवश्यकता होती है तो आपको फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको जो है एक्सक्लूसिव जो है सभी रिकमेंडेशन चाहिए तो अभी आप हमारे चैनल के मेम्बरशिप को जो है ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बाद फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस करें, डायरेक्ट आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा फ्रेंड्स, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए सबसे पहले तो हम जो है इस न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए लेफ्ट साइड में डिलीट के आइकन में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम जो है जो कुछ भी यहाँ पोस्टर को डिजाइन किए हुए हैं, बैकग्राउंड को हम बढ़िया से बनाए हुए हैं, उसे ऐड करने के लिए राइट साइड के 3 डॉट पर क्लिक करना है, यूज इमेज फ्रॉम गैलरी पे क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ आप अपने गैलरी से जो भी डाउनलोड करेंगे उसे आप बड़े आसानी से एडजस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमने सब कुछ एडजस्ट कर दिया है। अब फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे हमने इसको ऐड किया हुआ है तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप सभी शिव भक्तों को श्रावण मास के द्वितीय सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से एडजस्ट है, तो आपको फ्रेंड्स मैं बता दूं यहाँ पे कुछ भी एडिटेबल नहीं है, कुछ भी यहाँ से हटाया नहीं जा सकता, सब कुछ एकदम परफेक्ट सेटअप हमने कर दिया है। अब यहाँ पे केवल आपको अपना फोटो ऐड करना है, अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, बस आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स अपने फोटो को ऐड करने के लिए प्लस के आइकन में क्लिक करना, फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स अपने फोटो का PNG बना के पहले से रखे हुए हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ऐड कर लेना है। यदि आपको नहीं पता है कि आप अपने फोटो का PNG कैसे बनाएंगे तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको कमेंट कर देना, हम उस पर भी वीडियो ला देंगे, ठीक फ्रेंड्स। अब उसके बाद यहाँ थर्ड वाले ऑप्शन में, मतलब एक है राइट साइड वाले में, नीचे आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिख रहा है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा इतना क्रॉप कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पे इसको नीचे एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स अभी हमारे पास जो है कुछ इस तरीके से हमने इसको पहले से फिक्स कर दिया, जो यहाँ पट्टी हमने एडजस्ट किया हुआ है ये पहले से फिक्स कर दिया, नहीं तो ये और भी बेहतर फ्रेंड्स सेट हो सकता था, ठीक फ्रेंड्स। तो इसके लिए आप लोग सही से फोटो खींचेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा फोटो जो है ये साइड साइड में कटा हुआ है, तो इसके लिए दिक्कत हो रहा है थोड़ा सेट करने में, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा एडजस्ट हो चुका है, पोजीशन वाले पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा जो इधर साइड में बच रहा है तो इधर थोड़ा सा आपको एडजस्ट करके सही किचन में क्लिक करना है। अब आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा सब कुछ बढ़िया से एडजस्ट हो चुका है। अब यहाँ पे अपना नाम लिखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे अपना नाम लिखने के लिए ए वाले आइकन में क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स, या फिर चाहे तो आप इसे थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स जितना हमने कह दिया उतना ही रखिए, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी यहाँ पे छोटा बड़ा करिए। अब थोड़ा सा फिर फ्रेंड्स पोजीशन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे हम, राइट साइड में थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ऐसा, अब देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से हमारा अच्छा भी दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फ्रेंड्स करना क्या है, लेयर वाले आइकन में क्लिक करना है, इसे लॉक कर देना बढ़िया से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो न्यू टेक्स्ट है फ्रेंड्स न्यू टेक्स्ट यहाँ पे हमको ऐड कर लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स हमारे पास न्यू टेक्स्ट दो दो ऐड हो चुका है। अब न्यू टेक्स्ट फ्रेंड्स ऐड करने के बाद यहाँ पे डबल टैप करना है, यहाँ पे हमें अपना नाम लिख देना है। जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि यहाँ पे हम जो है अपना नाम पहले लिख देंगे, थोड़ा सा बैक हो जाने दो फ्रेंड्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हम अपना नाम लिख दे रहे हैं, अब डन कर देना है।
अब थोड़ा सा इसके साइज को छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब ये वाले आइकन में जाना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है फ्रेंड्स। अब फिर से आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है फॉन्ट वाले ऑप्शन में, माय फॉन्ट्स में जाना है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे हम फॉन्ट को एडजस्ट करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग DJ Sassy स्टाइलिश एक के फॉन्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी हमारे जो है इस यूट्यूब चैनल को चेकआउट कीजिए, वहाँ पर आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा DJ Sassy स्टाइलिश एक के फॉन्ट फ्रेंड्स। वहाँ से आप जाएंगे, उस वीडियो को फुल वॉच करें और फटाफट से आप वहाँ से जो है इन सभी फॉन्ट्स को डाउनलोड कर पाएंगे जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेंड्स हम सभी फॉन्ट को चेक कर लेने, कौन सा अच्छा दिख रहा है कौन सा अच्छा नहीं दिख रहा है हम अपने हिसाब से। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे हिसाब से तो सब बढ़िया ही दिख रहा है, तो चलिए एक फॉन्ट को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आप लोग वेट कर, अब जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया है ये, अब डन कर देना है फ्रेंड्स। अब थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है, तो आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हमने बड़ा कर लिया है। अब इसके जो है कलर को चेंज करने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हुए आना है फ्रेंड्स आपको कलर वाले ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कलर वाला ऑप्शन ऊपर है, ऊपर में हम फ्रेंड्स यहाँ क्लिक कर देंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स आप लोग जैसे देख पा रहे हैं यहाँ फ्रेंड्स हम इसके कलर को व्हाइट रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं जो इसका कलर है बिल्कुल व्हाइट हो चुका है और यहाँ पे देखने में फ्रेंड्स अच्छा भी दिख रहा है। अब फ्रेंड्स इसको हम एक बार सिलेक्ट करेंगे, राइट साइड में कॉपी का आइकन दिख रहा है, कॉपी पे क्लिक कर देना है। एंड देन फ्रेंड्स या नीचे आप लोग आइए, नीचे फ्रेंड्स लाने के बाद इसे एडजस्ट कर देना है। अब यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड कर देना है, जो कुछ भी आपका मोबाइल नंबर हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस मोबाइल नंबर को हम इंटर कर दे रहे हैं जो कि हमारा नंबर है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम इस मोबाइल नंबर को इंटर कर दे रहे हैं जो कि हमारा मोबाइल नंबर है। अब उसके बाद में फ्रेंड्स करना क्या है आपको, डन कर देना है, ओके कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पे इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ फ्रेंड्स इतना करने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं थोड़ा सा स्टाइलिश दिख रहा है हमारा नंबर भी। उसके लिए फ्रेंड्स फॉन्ट वाले में जाना है फ्रेंड्स। उसके बाद थोड़ा सा आपको यहाँ करना कि अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। तो आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स एडजस्ट हो चुका है, थोड़ा सा फ्रेंड्स इसको हम अपने हिसाब से कर लेंगे। अब इतना करने के बाद फ्रेंड्स इसको थोड़ा सा आपको पोजीशन वाले में जाना है, थोड़ा सा मूव अप कर देना, मतलब ऊपर की तरफ मूव कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको करना क्या है, इसे सिलेक्ट करना है और फिर से कॉपी कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नाम लिख देना है अपने सोशल मीडिया का, जैसे इंस्टाग्राम यूजर नाम लिख देना है फ्रेंड्स, ये सब फ्रेंड्स आपको लिख देना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे डबल टैप करते हैं, यहाँ पे हमारा जैसे कि अब आप लोग देख पा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा आईडी है जो कि इंस्टाग्राम आईडी है फ्रेंड्स। तो इतना फ्रेंड्स हमने एडजस्ट कर दिया, अब आप लोग देख पा रहे हैं फ्रेंड्स एकदम बेहतरीन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आप लोग भी जो है करके अपने लिए जो है एक बढ़िया प्रोफेशनल पोस्टर को डिजाइन कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको यह फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर कर इस वीडियो में फ्रेंड्स कमेंट करें आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको पासवर्ड मिल चुका होगा। चलिए फ्रेंड्स धर्मेंद्र को वीडियो को स्टॉप करते हैं एंड देन मिलते हैं एक नेक्स्ट और धमाकेदार वीडियो के साथ।